गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है, वेरी गुड। तो आज हम हमारी मधुबन हिंदी का पाठ 12 मोहन का दूध अध्ययन करेंगे, जिसे गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया है। बच्चों, यह एक एकांकी है। क्या है? एक एकांकी है। एकांकी का अर्थ क्या होता है पता है आपको? नहीं पता होगा। एकांकी का अर्थ होता है एक अंक का नाटक, जिसमें किसी एक बात को, किसी एक टॉपिक को लेकर पूरी नाटक, पूरा कहानी लिखा जाता है। ठीक है, नाटक एक अलग चीज होता है, एकांकी नाटक का छोटा रूप होता है। ठीक है बच्चों, तो हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं शब्द ज्ञान से। शब्द ज्ञान अगर आपको याद हो गए तो आपको पूरा पाठ समझने में बहुत आसानी रहती है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं शब्द ज्ञान से। पहला है गुदगुदाना। गुदगुदाना का अर्थ होता है अस्पष्ट रूप से बोलना। क्या होता है गुदगुदाना? मतलब अस्पष्ट रूप से बोलना। अगर हम किसी के कान में धीरे धीरे से कुछ बातें करते हैं तो वो उसे ठीक प्रकार से सुनाई नहीं देती है। ठीक है, तो वो अस्पष्ट रूप से बात करना अर्थ होता है गुदगुदाना। मंच। मंच का अर्थ होता है स्टेज। मंच का अर्थ क्या होता है बच्चों? स्टेज। स्टेज का नाम आपने सुना ही होगा। स्टेज का अर्थ होता है जहाँ पर हम भाषण देते हैं। कुछ हमारे स्कूल में जो प्रतियोगिताएं होती है, जो हम स्टेज पर रहकर करते हैं, वो होता है मंच। तीसरा, दर्शन। दर्शन का अर्थ है देखना, भेंट करना, मुलाकात करना। जब हम किसी से मिलते हैं, भेंट करते हैं, तो वो दर्शन कहलाता है। जिस प्रकार जब हम मंदिर जाते हैं तो वहाँ हम भगवान से मिलने जाते हैं, उनके दर्शन करने जाते हैं। ठीक है, गुदगुदाना अस्पष्ट रूप से बोलना। मंच, मंच अर्थात स्टेज। दर्शन, दर्शन का अर्थ होता है देखना, भेंट करना, मुलाकात करना। प्रजा। प्रजा का अर्थ है सेवक, आश्रित। प्रजा क्या होती है? एक राजा है, किसी नगर का एक राजा है। वहां की जो जनता है वो उसकी प्रजा होती है। जिसे राजा का कर्तव्य रहता है कि वो अपने प्रजा को, अपने नगरवासियों को, उसके सुख दुख का ध्यान रखे। इसी प्रकार प्रजा का भी कर्तव्य बनता है कि हम राजा का कार्य करें, उनकी सेवा करें। ठीक है, बरजती। बरजती का अर्थ होता है मना करती। जैसे आपकी मम्मी ने किसी काम के लिए करने के लिए मना करा है, फिर भी आप उस काम को कर लेते हैं, तो मम्मी गुस्सा होती है ना? होती है कि नहीं? तो मम्मी आप पे जब गुस्सा होती है, इसका अर्थ है कि मम्मी आप पर बरस रही है, गुस्सा कर रही है, मना कर रही है, तो आपको मम्मी का कहना मानना चाहिए ना? हाँ, तो मम्मी का कहना माना करो। अभागा। अभागा मतलब भाग्यहीन, बदकिस्मत। इसका अर्थ कैसे? इसका अर्थ है अगर हमें किसी चीज की बहुत आवश्यकता है, वो चाह हो रही है कि हमें तो वो चाहिए ही चाहिए, पर हम उसे नहीं ले पाते हैं, तो हम कहते हैं कि शायद ये हमारे भाग्य में नहीं है, ये हमारी किस्मत में नहीं है। ठीक है, सांत्वना। सांत्वना का अर्थ होता है ढांढस देना, तसल्ली देना। आपकी क्लास में अगर आपको कम नंबर आए हैं, टेस्ट में, एग्जाम में कम नंबर आए हैं, तो आपका दोस्त आपसे क्या कहता है? ठीक है यार दोस्त, आगे और पढ़ाई कर लेना अच्छी, तो तेको अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो वो आपको क्या कर रहा है? आपको हिम्मत दे रहा है कि दुखी मत हो, तुम और अच्छे से पढ़ाई करो, आगे जाके पास हो जाओगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है ना बच्चों? तो शब्द ज्ञान क्या है? गुदगुदाना अस्पष्ट रूप से बोलना। मंच स्टेज। दर्शन देखना, भेद करना, मुलाकात करना। प्रजा से।
सेवा आश्रित, बरजती मना करती, अभागा भाग्यहीन बदकिस्मत, सांत्वना ढांढस तसल्ली। आपको शब्द ज्ञान समझ में आ गए होंगे ना बच्चों? ठीक है, अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। सब लोग अपनी नोटबुक का पेज नंबर 28 निकालेंगे। पेज नंबर 28 सभी अपनी बुक को ओपन करके रखेंगे, खोल कर रखेंगे। जहां पढ़ा रही हूं वहां पर अपनी उंगली रखना। अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। आप जानते ही हैं, एक समय था जब हमारे देश में छुआछूत का बोलबाला था। छुआछूत, छुआछूत का अर्थ पता है? मैं बताती हूँ। छुआछूत का अर्थ होता है जो हम किसी को अगर स्पर्श नहीं करेंगे, किसी स्पर्श करने योग्य नहीं है वो, तो वो छुआछूत का अर्थ होता है। इसका एक अर्थ है अस्पर्शता। क्या अर्थ है? अस्पर्शता। ठीक है बच्चों, छुआछूत का अर्थ क्या हुआ? अस्पर्शता, जिसे छुआ नहीं जा सकता। ठीक है, भारत में हमारे समाज में चार वर्ण होते हैं। वो वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कौन से हैं चार वर्ण हमारे समाज में? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, ये चारों वर्ण को अपने अपने कामों के आधार पर लोगों ने अपने हिसाब से चुन लिए। ब्राह्मण का क्या काम है पता है? हम मंदिरों में जाते हैं तो कौन पूजा करता है? ब्राह्मण, पंडित, तो वो क्या हो गया? ब्राह्मण। क्षत्रिय, क्षत्रिय कौन होता है? जो लड़ाई करता है, शस्त्र रखता है, देश की रक्षा करता है, ये कौन होते हैं? क्षत्रिय। प्राचीन काल में, पहले के जमाने में कुछ लोग ऐसे थे जिनका काम यह होता था कि वो दुश्मनों से रक्षा करें। उनके पास हमेशा शस्त्र अस्त्र सुसज्जित रहते थे, तो वो क्षत्रिय होते थे। तीसरा है वैश्य। वैश्य का काम होता था बच्चों कारोबार को आगे बढ़ाना। जो हम काम कर रहे हैं उसको कैसे एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाना है, यह काम होता था वैश्य का। ठीक है, आया समझ में? क्या है? ब्राह्मण जो पंडित होता है, ठीक है, और क्षत्रिय जो रक्षा करता है प्रजा की, देश की, राजा की, वो क्षत्रिय होता है। वैश्य होता है जो हमारे कारोबार को आगे बढ़ाता है, एक देश से दूसरे देश तक उसकी ख्याति पहुंचती है, उसका काम वैश्य होता है। चौथा वर्ण है बच्चों शूद्र। शूद्र का काम क्या है? प्रजा की सेवा करना, राजा की सेवा करना, साफ सफाई करना, यह काम होता है शूद्रों का। पर ये किसी ने बांटे नहीं है, जो लोग जो काम करते आ रहे हैं उसके हिसाब से ही उनको उस वर्ण में भेज दिया गया। ब्राह्मण, प्राचीन काल में ब्राह्मण ये सोचते थे कि शूद्रों से अगर हम टच हो गए, उनकी छाया भी हमारे ऊपर आ गई, तो हमें पुनः स्नान करना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना? ये सब पुरानी बातें हैं। तो ये छुआछूत से हम आगे बढ़ते हैं। इसी भेदभाव से हमारे समाज की तरक्की रुकी हुई थी। छुआछूत जो था उस वजह से हमारा जो भारत समाज है, हिंदू समाज है, उसकी तरक्की एकदम से रुक गई थी। क्यों रुक गई थी? क्योंकि हम एक दूसरे से खुलकर मिल नहीं पाते थे। क्यों नहीं मिल पा रहे थे? क्योंकि चार वर्ण अलग अलग हो गए थे। सबसे उच्च और सबसे नीच दो अलग अलग श्रेणियां हो गई थी। इस वजह से हम किसी से मिल नहीं पाते थे। पर आज हम सबसे खुलकर मिलते हैं, दोस्ती करते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, खेलते हैं, गले लगते हैं। आज
सब खत्म हो गई है। एक दूसरे की परेशानी में, दुख में उसका साथ नहीं दे पाते थे। पुराने जमाने में जब छुआछूत बहुत अपनी चरम सीमा पर था, तब क्या होता था कि जो शूद्र लोग हैं, वैश्य लोग हैं, ये लोग को घर में किसी को अगर परेशानी आ जाती है तो कोई उसको साथ नहीं देता है, ना ही उसकी परेशानी में, ना ही उसके दुख में। एक दूसरे से हमेशा दूर ही रहते थे। देने का मन भी हो तो ऊंच नीच की भावना की दीवार बनकर खड़ी हो जाती थी। अगर किसी का मन भी होता था कि हम इसे, किसी बच्चों का मन होता है ना कि हम हमारे दोस्त को दे दें कुछ ना कुछ, लेकिन वो उस टाइम नहीं दे पाते थे। पर आज तो हम दे पाते हैं ना, स्कूल में आते हैं, शेयर करते हैं अपना लंच सभी से। ऐसे पहले नहीं था। माँ बाप जो रहते थे, माता पिता जो रहते थे, वो अपने बच्चों को छोटे कास्ट के लोगों के साथ न तो खेलने देते थे, न कुछ करने देते थे, उनसे हमेशा दूर ही रहते थे। अब आगे बढ़ते हैं पाठ प्रवेश की ओर। हमारे देश को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी जब बच्चे थे, तब उन्हें यह देखकर हैरानी होती थी कि उनकी माँ जिस मंदिर में पूजा पाठ करने जाती है, वहाँ की गंदगी से जरा भी घृणा नहीं करती। मोहनदास करमचंद गांधी, हमारे महात्मा गांधी जिसके नाम से हम उन्हें जानते हैं, आज़ादी के टाइम पर उन्हें उनकी माँ के साथ जब भी वो जाते थे तो उनको हैरानी होती थी। किस बात की हैरानी होती थी? कि उनकी जो माँ है वो निम्न जाति के लोगों से उनको बात नहीं करने देती थी, उनके साथ खेलने नहीं देती थी, उन गंदगी से उनको बहुत घृणा होती थी, दुख होता था उनको कि अब मैं कैसे क्या करूँ। बालक मोहन के मन पर इसका क्या असर पड़ा, उसने कौन सा क्रांतिकारी कदम उठाया, यह हम इस एकांकी में पढ़कर जानेंगे। महात्मा गांधी के मन में बहुत सारे प्रश्न उठे कि मम्मी, उनकी जो माँ है वो उन्हें क्यों नहीं दूसरों से बात करने दे रही है। तो उनके मन में बहुत विचार चला, उन्होंने क्या किया उस चीज के लिए, ये इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे। इस पाठ में तीन पात्र हैं। पहला मोहन स्वयं है, दूसरा उनकी बा का अर्थ होता है उनकी मम्मी, उनकी माता, तीसरा है उका उनका एक मित्र है। ठीक है, दृश्य एक। मोहन के हाथ में पूजा की थाली बा कुछ बुदबुदाती हुई, वे मंच के एक किनारे से दूसरे किनारे तक बातें करते हुए चलते जाते हैं। क्या बताया जा रहा है? मोहन है, मोहन के हाथों में पूजा की थाली है। वो कहाँ जा रहे हैं पूजा की थाली लेकर? मंदिर। किसके साथ जा रहे हैं? बा के साथ। बा मतलब उनकी मम्मी के साथ, और उनकी मम्मी धीरे धीरे से कुछ बड़बड़ बड़बड़ कर रही है, बातें कर रही है, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बुदबुदाना का अर्थ क्या होता है? अस्पष्ट रूप से बोलना। जो बातें हमें समझ में नहीं आ रही है वो बुदबुदाना है, तो उनकी माँ कुछ कुछ बुदबुदा रही है। वे एक मंच के किनारे से, स्टेज के किनारे से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और बातें कर रहे हैं। अब क्या बातें कर रहे हैं? आगे लाइन रख पे उंगली रखो। मोहन, बा तुम्हें मंदिर जाकर क्या मिलता है? मोहन क्या बोल रहे हैं अपनी मम्मी से, अपनी माँ से? माँ को गुजरात वाले प्रदेशों में, गुजरात में बा बोला जाता है। तो मोहन पूछ रहे हैं, माँ तुम्हें मंदिर जाकर क्या मिलता है, क्यों जाती हो रोज रोज मंदिर, क्या होता है मंदिर जाने से? बा कह रही हैं, मिलता क्या? भगवान के दर्शन। बा ने क्या बोला? क्या मिलता है? भगवान के दर्शन। हम भी मंदिर जाते हैं ना, जाते हो कि नहीं? अपनी मम्मी के साथ, पापा के साथ महादेव तक जाते हो ना दर्शन करने, तो वहाँ क्या मिलते हैं? भगवान के दर्शन करने को मिलते हैं। दर्शन का अर्थ क्या बताया था? देखना, भेंट करना, मुलाकात करना। लेकिन किससे?
भगवान से। दोस्तों से मिलने नहीं जाते हैं मंदिर में, किसके लिए जाते हैं? भगवान से मिलने जाते हैं, उनके दर्शन करने जाते हैं। मन पवित्र होता है, तू अंदर चलकर तो देख कितनी शांति मिलती है। बा क्या कह रही है? मंदिर में जाकर मन पवित्र हो जाता है, शांति मिलती है मन को। तुम एक बार अंदर चलकर देखो तो मोहन, कैसा लगता है तुम्हें वहाँ, कितनी शांति मिलेगी। मोहन को ठोकर लगती है, वह संभलता है। बात करते करते माँ और मोहन जा रहे हैं, अचानक मोहन किसी चीज़ से टकरा जाता है, उन्हें ठोकर लग जाती है, तो वो एकदम गिरते गिरते संभलते हैं। हम कहीं जाते हैं तो हम वो पत्थर से ठोकर लगे तो वो जैसे गिरते गिरते संभल जाते हैं ना, वही चीज़ मोहन के साथ हो रही है। तो बा ने कहा, बेटा देख कर चलो। क्या बोला माँ ने? देख कर चलो बेटा, अभी पूजा की थाली गिर जाती तो मैं पूजा कैसे करती। आप अपनी मम्मी के साथ जा रहे हो मंदिर, आपको ठोकर लगी तो मम्मी क्या बोलेगी? देख कर चलो बेटा, अगर ठोकर लग जाती, गिर जाते तो फिर थाली गिर जाती, फिर हम पूजा कैसे करेंगे। वही बा भी बोल रही है कि बेटा देख कर चलो मोहन, अभी पूजा की थाली गिर जाती तो हम पूजा कैसे करते, है ना। मोहन बोल रहे हैं, मैं गिर भी जाता तो भी पूजा की थाली गिरने नहीं देता। क्या बोल रहे हैं वो? माँ मैं अगर गिर भी जाता तो पूजा की थाली को मैं गिरने नहीं देता। थोड़ा रुक कर फिर से मोहन बोलते हैं, माँ क्या पूजा बिना थाली के नहीं हो सकती? कभी कभी हम भी अपनी मम्मी से, आप लोग भी अपनी मम्मी से क्वेश्चन करते होंगे कि बिना पूजा की थाली तैयार करे पूजा नहीं हो सकती क्या। वही मोहन पूछ रहे हैं कि माँ बिना पूजा की थाली के पूजा नहीं हो सकती क्या। बा चिढ़कर, बा एकदम गुस्सा हो गई, पूजा की थाली नहीं होगी तो पूजा काहे से होगी। बा क्या बोल रही है? अगर पूजा की थाली नहीं होगी तो हम क्या सिर्फ भगवान के हाथ जोड़ने जाएंगे, उनको जल कैसे चढ़ाएंगे, कुमकुम कैसे चढ़ाएंगे, अक्षत कैसे चढ़ाएंगे, अक्षत मतलब चावल, कंकू चावल ये सब कैसे चढ़ाएंगे। इसलिए पूजा की थाली तो बहुत जरूरी है, दीपक भी होना चाहिए, उसमें सभी चीज रहती है। तो बा कह रही है अगर पूजा की थाली नहीं होगी तो पूजा कैसे, क्या कहे की पूजा। मोहन बोले मन से, बा मैं भी राम का नाम मन से ही लेता था और अंधेरे में ऊपर पहुंच जाता था। मोहन क्या कह रहे हैं? हाँ माँ, मन अपने मन में मैंने भी राम को बिठा रखा है, मैं हमेशा राम जी का नाम लेता हूँ तो मैं कहीं भी अंधेरे में चला जाता हूँ तो मुझे डर नहीं लगता। आपकी मम्मी भी आपसे बोलती होगी ना, आप बोलते हो कि मम्मी अंधेरा हो रहा है, लाइट चालू कर दो, हमको डर लग रहा है। तो मम्मी कभी कभी बोलती होगी कि भगवान का नाम ले लो, हनुमान जी का नाम ले लो, जय हनुमान बोलो और चले जाओ, तो आपको हिम्मत आ जाती है, आप अंधेरे में भी जा सकते हो। वैसे ही मोहन कह रहे हैं कि मम्मा, माँ मैं है ना राम का नाम अपने मन से लेता रहता हूँ तो मैं अंधेरे में भी जा पाता हूँ, मेरे पास थाली थोड़े ही होती है। क्या कह रहे हैं? उस समय मेरे पास थाली थोड़े ही होती है कि मैं भगवान राम का नाम लेके अंधेरे में जा रहा हूँ तो थाली लेके जाऊँगा क्या। मोहन क्या कह रहे हैं? जब मैं राम का मन में नाम लेता हूँ तो मेरे पास कोई थाली नहीं होती है, बिना मन लगाए पढ़ाई नहीं होती तो पूजा पाठ कैसे हो सकती है। क्या कह रहे हैं मोहन? मम्मी बोलती है ना, मन लगा के पढ़ाई करो वरना याद नहीं होगा, है ना, कहती है ना। हाँ मैं भी कहती हूँ अपने बच्चों से, ऐसे आपकी मम्मी भी कहती होगी कि मन लगा कर पढ़ाई करो वरना परीक्षा में कैसे लिख पाओगे। तो मोहन क्या कह रहे हैं? जब मन लगा कर पढ़ने से पास नहीं होते हैं तो फिर पूजा पाठ कैसे हो जाएगी। मास्टर जी देखते हैं मन लगा कर काम किया है या नहीं, तो भगवान जी नहीं देखते होंगे क्या। क्या कह रहे हैं मोहन? जब स्कूल मास्टर जी का अर्थ होता है टीचर, शिक्षक जो आपको पढ़ा रहे हैं वो होते हैं मास्टर। तो क्या कह रहे हैं? जब मैं स्कूल जाता हूँ तो मास्टर जी यही कहते हैं कि मन लगाकर पढ़ाई करी कि नहीं करी, तो फिर भगवान भी तो देखेंगे ना कि आप मन लगाकर आ रहे हो कि नहीं, सिर्फ कंकू चावल चढ़ा
जाने से थोड़ी ना पूजा हो जाती है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। मन से भगवान को याद करना पड़ता है, तब उनकी पूजा होती है। बा कह रही है, रुक क्यों गया रे, चल अंदर दर्शन कर ले। बा क्या कह रही है, रुक क्यों गया, अंदर चल दर्शन कर ले। तुम मोहन, तुम हो जाओ, हो आओ, मैं यही खड़ा हूँ। मोहन क्या कह रहा है, माँ आप हो आओ, मैं यही खड़ा हूँ। ठीक है, बा बा कह, बा रुआंसी सी, माँ थोड़ी सी दुखी हो जाती है, रुआंसी मतलब दुखी हो जाती है, सैड हो जाती है। फिर धीरे से आवाज में कहती है, तूने बाकी मानना छोड़ दिया क्या। क्या कह रही है माँ, मोहन तुमने मेरी बात मानना छोड़ दिया क्या, पहले तो मेरा कहना बहुत मानते थे, और अब मैं जब कह रही हूँ मंदिर के अंदर चलो तो नहीं आ रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। मोहन बोलते हैं, बा तुम कहोगी तो मैं चला जाऊंगा। क्या कह रहे हैं मोहन, माँ अगर आप कहोगी तो मैं चले जाऊंगा, पर मैं ना मन नहीं करता। क्या कह रहे हैं मोहन, कि मेरा मन नहीं करता है मंदिर जाने का। क्यों नहीं कर रहा है, क्यों, बदबू आती है, जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। बा तुम सच बताओ, हम ऐसे घर में रह सकते हैं क्या। क्या कह रहे हैं मोहन यहाँ अपनी माँ से, कि माँ बहुत बदबू आती है मंदिर में, इतनी गंदगी फैल रखी है पूरे मंदिर में। अगर हमारे घर में गंदगी फैली हुई है, हर जगह हमने स्कूल से आकर बैग पटक दिया, तो बॉटल पटक दी, इधर उधर फैला दिए शूज़, सॉक्स भी, मोजे भी इधर उधर रख दिए, तो मम्मी को अच्छा लगेगा क्या, नहीं लगेगा। क्यों, मम्मी साफ सफाई करके रखती है घर में, और आप आते से सारा फैलारा फैलारा कर देते हो। मम्मी क्या करती है झट से, या तो आपसे कहेगी कि अपने सारे सामान को सही जगह पर रखो, या फिर अपनी मम्मी खुद ही कर देगी व्यवस्थित सारा सामान, तो उन्हें गंदगी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए वो ऐसा काम करती है। मोहन यही कह रहे हैं कि मंदिर में इतना गंदगी फैली हुई है, बदबू ही बदबू आती है फूलों की और ये सब चीज़ों की। नारियल चढ़ाया है तो वहीं फोड़ के फेंक दिया, कचरा कर दिया, फूल चढ़ाए हैं तो पन्नी और बासी फूल वहीं पटक दिए, इन सब चीज़ों की बहुत बदबू आती है, तो वो सब मोहन को अच्छा नहीं लगता। वो कह रहे हैं कि जब हम घर में अच्छे से रहते हैं, बिना गंदगी फैलाए रहते हैं, तो फिर भगवान को इतनी गंदगी में क्यों रखा गया है। क्या कह रहे हैं कि भगवान को इतनी गंदगी में क्यों रखा गया है, वो कैसे रहते होंगे वहाँ बदबू के बीच में। नहीं बा, भगवान वहाँ नहीं रह सकते। क्या कह रहे हैं, इतनी गंदगी में जब इंसान नहीं रह पा रहे हैं, हम नहीं रह पा रहे हैं, तो फिर भगवान कैसे रहेंगे माँ। बच्चों पेज नंबर 3030 पे सबसे ऊपर की लाइन देखिएगा, खोलिया। बा रोज तू यही सब बेसिर पैर की बातें सोच सोच कर लाता है, तेरे साथ कौन झक मारे। माँ क्या कह रही है, गुस्सा हो गई और कह रही है, तू ये फालतू की बिना हाथ पैर की बातें करता रहता है, तेरे साथ तो कौन बात करे। ठीक है, ऐसे माँ गुस्सा हो गई। आपकी मम्मी भी गुस्सा होती होगी ना, हाँ, आप सामान फैलारा करते हो तो मम्मी गुस्सा होती है, तो वही मम्मा बा भी गुस्सा हो गई है। वो कह रहे, तू ये फालतू आलतू की बातें मत करा कर, जिसमें हाथ नहीं पैर नहीं, फालतू की बातें करता है, ना जाने कहाँ कहाँ से लाता है ऐसी बातें, तो तेरे साथ तो कौन बात करना भी मैं पसंद ना करूँ। ठीक है बच्चों, आज हमने एक दृश्य पढ़ा है, नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा दृश्य पढ़ते हैं पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए।